एक बादशाह का अपने वजीर से बहुत गहरा याराना था। वो हर जगह हर वक्त इस वजीर को अपने साथ रखता, मगर वो वजीर की एक आदत से बहुत तंग था कि वह हर अच्छे या बुरे काम और वाक्य पर कहता था कि इसमें भी खुदा की कोई हिकमत होगी। एक दफा बादशाह की उंगली कट गई तो वजीर ने कहा कि इसमें भी खुदा की कोई हिकमत होगी। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि मेरी उंगली कट गई है और इसे मजाक सूझ रहा है कि इसमें भी खुदा की कोई हिकमत होगी। गुस्से में आकर बादशाह ने वजीर को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जंगल में शिकार खेलने गया और एक ऐसे जालिम कबीले के हाथ चढ़ गया जो हर साल एक इंसान को अपने देवता के आगे ज़िबा करते थे। वो लोग बादशाह को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने बादशाह को देवता के आगे ज़िबा करने का हुक्म दे दिया। जब ज़िबा करने लगे तो देखा कि बादशाह की एक उंगली कटी हुई है, तो इस कबीले के सरदार ने यह कहते हुए बादशाह को छोड़ दिया कि हम किसी ऐसे इंसान की कुर्बानी नहीं देते जिसमें कोई जिस्मानी ऐब हो, और तुम्हारी उंगली कटी हुई है इसलिए तुम इस कुर्बानी के काबिल नहीं हो, और बादशाह को आज़ाद कर दिया। बादशाह की जान में जान आई। जब वापस आया तो सीधा कैद खाने में वजीर के पास गया और कहा कि आज मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। अब मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें कैद खाने में डाला जा रहा था तो तुमने कहा था कि इसमें भी खुदा की कोई हिकमत होगी, तो इसमें क्या हिकमत थी? वजीर ने मुस्कराते हुए कहा कि बादशाह सलामत आप हर जगह मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं, और अगर कैद खाने में ना डालते तो यकीनन शिकार पे मैं आपके साथ ही होता और इस कबीले के हत्थे लग जाता, और आप तो उंगली का ऐब होने से बच जाते, मगर वो लोग मुझे ज़िबा कर देते। यह सुन के बादशाह ने वजीर को आज़ाद करके अपने साथ रख लिया और कहा कि यकीनन तुम्हारी आज़ादी में भी खुदा की कोई हिकमत होगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक जो करता है बहुत अच्छा करता है। आप इस वक्त जिस हाल में भी हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी भी नुकसान पर अल्लाह से शिकवा ना किया करो, अलबत्ता अल्लाह से दुआ किया करो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादर है और इस दुनिया में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ